बहुत अच्छी फीलिंग है। मैं बहुत टाइम से जा रहा हूँ कॉलेजेस में, मैं जुहू बीच में जाके जितना कर सकता हूँ, बिकॉज आई बिलीव दैट वुमेन नीड टू बी अवेयर ऑफ व्हाट दे आर, दैट इज़ सुपर एंड देयर सुपीरियर, दे जस्ट नीड टू बी टोल्ड, उनको बताने की ज़रूरत है कि वो अगर कभी कोई उनसे बदसलूकी करे तो उनको क्या क्या वो लोग कर सकते हैं। इसलिए मैं जा रहा हूँ और मैं कॉलेज में जाके लोगों को बताना चाहता हूँ कि यू आर स्ट्रॉन्ग पीपल, स्टैंड अप फॉर योरसेल्फ एंड यू कैन, प्लीज़ डू इट। आप सही बोल रही है, नॉर्मली लोग घबरा जाते हैं जब कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है और घबराहट से दिमाग बंद हो जाता है। तो आज जो मैं आप लोगों को बता रहा था, यहाँ पे लड़कियों को सिखा रहा था कि आपको अवेयर रहने की ज़रूरत है, ये आपके साथ कभी भी हो सकता है, किसी भी समय हो सकता है। द ओनली थिंग यू नीड टू डू इज बी अवेयर ऑफ द सिचुएशन, और अगर आप अवेयर हैं, अपने आप को संयम में जितना ज़्यादा रख सकते हैं, अगर संयम मेंटेन करेंगे तो आप किसी भी सिचुएशन से बाहर निकल सकते हैं। जैसे अगर आप कह रहे हैं कि मुझे एक्शन स्टार के नाम से जाना जाता है, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं हर इंसान के अंदर का एक्शन स्टार बाहर निकालूं। और ये नहीं है कि आप रोड पे जाके लड़ें, मगर जब भी ज़रूरत हो, ये सेल्फ डिफेंस है। यहाँ पे मैं आपको ये नहीं बता रहा हूँ कि जाके रोड पे लड़िए, जस्ट गो एंड स्टैंड अप फॉर योरसेल्फ, प्रोटेक्ट योरसेल्फ। दरअसल कई चीज़ें ऐसी होती हैं, जब आप सिनेमा कर रहे होते हैं तो कई बातें ऐसी होती हैं जो हकीकत नहीं होती हैं। बट जी हाँ, मैं इस समय एक दो मूवीज़ पे काम कर रहा हूँ और कई मूवीज़ पे जिनमें मैं काम करना भी चाहता हूँ, जैसे सलमान खान का मैं बचपन से फैन रहा हूँ, उनके साथ काम करना चाहता हूँ, बट अगर डेट्स नहीं मिलती हैं तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। एक्चुअली रिजेक्ट बहुत अच्छा वर्ड नहीं होगा, मुझे जो मेरी डेट्स हैं और सूरज सर की जो डेट्स हैं वो मिक्स मैच नहीं हो रही थी। दरअसल आज जब मैं कॉलेज के अंदर एंटर किया था, ये सब लड़कियों से मैंने पूछा, उनको एक्शन पसंद है, उनको बहुत पसंद है। मैं खुश हूँ कि लोगों को एक्शन ड्रामा, एक्शन रोमांस सब पसंद है, जब तक एक्शन पसंद है तब तक करेंगे। दरअसल अभी तीन मूवीज़ हैं जिनमें से कमांडो 2 मेरी बहुत नज़दीक है मेरे, उसके लिए काफ़ी जोर से तैयारी चल रही है। दरअसल मैं बहुत खुश हूँ, जैसे आज मैंने आप लोगों से भी बात की और वो खुश हैं कि उनको एक्शन पसंद आ रहा है। एक्शन रोमांस ज़रूर करूँगा, एक्शन ड्रामा ज़रूर करूँगा, एक्शन कॉमेडी ज़रूर करूँगा। दरअसल हर चीज़ मिलके होती है, जैसे आज हम लोगों ने कॉलेज की लड़कियों को सेल्फ डिफेंस सिखाया है, अगर वो लड़कियाँ ऊपर स्टेज में ना आए और घबराएं सीखने के लिए तो मुश्किल हो जाता है। तो हम लोगों को हर चीज़ मिल के करनी चाहिए, जैसे आज हर मर्द को हर स्त्री के लिए खड़ा होना बहुत ज़रूरी है, और मुझे लगता है हर मर्द ये मानता है। वो 1% से भी कम मर्द हैं जो नहीं मानते हैं और वो इस तरह की गुस्ताखी करते हैं। सो मुझे लगता है कि विमेन शुड बी अवेयर ऑफ व्हाट दे आर, हु आर द राइट पीपल टू बी विद, एंड व्हेनेवर दे गो एनीवेयर, जहाँ पे भी जाते हैं, सिर्फ अपनी अवेयरनेस के बारे में ध्यान रखें। थैंक यू फॉर सेइंग दैट कि मुझे सलमान, अक्षय इनकी तरह का एक्शन स्टार माना जाता है। मैं बहुत खुश हूँ और मैं किसी को डिसअपॉइंट नहीं करूँगा, मैं इन सबका फ़ैन रहा हूँ, मैंने सबसे कुछ ना कुछ तो ज़रूर सीखा है। आई वोंट से दैट आई हैव बीन इंस्पायर्ड बाय वन इंडिविजुअल, आई हैव बीन इंस्पायर्ड बाय लॉट ऑफ पीपल। मैं एक राजकुमार संतोषी की मूवी कर रहा हूँ, एक राम आडवाणी करके बहुत उमदा डायरेक्टर हैं जिनके साथ एक हम स्क्रिप्टिंग पे काम कर रहे हैं। एक्शन ड्रामा। थैंक यू मैम, थैंक यू।